बिलासपुर के जिला खेल परिसर बिलासपुर में चल रहे दो दिवसीय छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय दूसरी महिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया है। समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों को न सिर्फ मंच मिलता है बल्कि उन्हें अपने खेल में निखार लाने का भी अवसर मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतियोगिता केवल एक अवसर होता है न कि अंतिम पड़ाव। अपने खेल में लगातार सुधार करें और वे आगे की प्रतियोगिता इसी तरह जीतकर देश और प्रदेश को गौरवान्वित कर सकते हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ दूसरी राज्य स्तरीय महिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता में लगभग राज्य भर से लगभग 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिनके बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद विजय प्रतिभागियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। विभिन्न वर्गों में बांटे गए इस प्रतियोगिता में सफल खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खिलाड़ी और उनके अभिभावक के अलावा आम गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। खेल के प्रति हमारे लोगों का आकर्षण बने, इसके लिए हमने नीतियां बनाई कि जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलेगा उसको हम शासकीय नौकरी देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में बहुत से युवकों को एक राष्ट्रीय स्तर पर खेले उनको नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन मुझे दुख है कि खिलाड़ी आज जब आते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त किया है वो 4.5 साल से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका अधिकार उनको मिल ही रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि खेल के प्रति जो नीति इस राज्य की बने उसका पालन वर्तमान में हम नहीं कर रहा हूँ। मेरा ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन हमने किया है क्योंकि इस प्रतियोगिता का आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि महिला खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना, उनका आत्मबल को उनके आत्मसुरक्षा को दृष्टि तक रखते हुए एक प्रशिक्षित खिलाड़ी बनाना है जिससे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मेडल ले सके। इसी परंपरा कायम रखते हुए इस वर्ष हमने दूसरी छत्तीसगढ़ राज्य से ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें 303 बालिका खिलाड़ी आके शामिल हुए हैं। इसमें 40 स्वर्ण पदक, 40 रजत पदक, 80 कांस्य पदक का वितरण हुआ है। कुल मिला के 160 पदकों का वितरण हुआ है। इस प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रायपुर की टीम थी, तीसरे स्थान पर दुर्ग की टीम थी, दूसरे स्थान पर रायगढ़ की टीम थी, अब पहला स्थान बिलासपुर को प्राप्त हुआ है। पूरे आयोजन में हमारे प्रदेश ताइक्वांडो समिति अध्यक्ष श्री मनोज जी गोड़े जी, हमारे माननीय संगठक मार्गदर्शन उनको सदा मिलते आए हुए हैं, साथ में गौरव सिंह साहब भी उपस्थित थे जो समय समय पर हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और महिलाओं को उत्थान के लिए सदा प्रयास करने में हर्षिता पांडे सदैव लगे रहती है, उनका मार्गदर्शन हमें सदैव प्राप्त होता है। आपका परिचय? मैं रामपुरी गोस्वामी, महासचिव छत्तीसगढ़ राज्य ताइक्वांडो संघ बिलासपुर। 3 दिवस का ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें सभी प्रतिभागी लगभग 13 जिला से इसमें भाग लिए। लगभग 303 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में आए और 160 मेडल यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। मैं उनको बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज खेल के साथ में जो इसका जो महत्व है कि स्वयं की सुरक्षा और जो वर्तमान में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं कि अपने आप को कैसे बचा सके, अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सके, बाकी जो सुरक्षा व्यवस्था है लगी रहती सरकार की, लेकिन स्वयं को कैसे बचा सके, खास करके ताइक्वांडो की प्रतियोगिता से निश्चित रूप से उनको एक आत्म सुरक्षा का बल प्राप्त होता है। तो बहुत ही यहाँ पर आकर्षक कार्यक्रम हुआ और इसके साथ में मेडल लेकर के जा रहे हैं रामपुरी गोस्वामी जी महासचिव और उनके सभी सहयोगियों को इस बहुत अच्छे आयोजन के लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और बाकी खिलाड़ियों को सबको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा आयोजन हुआ है और आने वाले समय में भी इस कार्यक्रम के इसी प्रकार से जारी रखें जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है।